खबर है अवरेली जनपद से, जहां राजकीय महिला इंटर कॉलेज देवानंदपुर थाना मेल एरिया में बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड यूनिट सीमेंट वर्क्स द्वारा आयोजित CSR के अंतर्गत मिशन शक्ति व राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा के बारे में सभी को जानकारी दी गई। पेट्रोल पंप के पास 50 ऑटो व 60 टेम्पो चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों से अवगत कराया गया। वही कुहासा को देखते हुए बचाव की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा से संबंधित पंपलेट वितरित किए गए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नेहा सिंह डिप्टी कमिश्नर जिला उद्योग रही। उक्त मौके पर राष्ट्रीय उद्यान निरीक्षक बागवानी विभाग रायबरेली, रेखा सिंह निरीक्षक यातायात रायबरेली, डॉक्टर अमेका सिंह स्त्री रोग विशेषज्ञ, बबीता यादव प्रधानाचार्य GGIC देवानंदपुर रायबरेली मौजूद रहे। यह कार्यक्रम बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजीव भल्ला यूनिट हेड आदि लोगों के द्वारा संपन्न किया गया। वही सलोन के करहिया बाजार में दबंगों की दबंगई सामने आ गई। बाजार में चले लाठी डंडे, वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली द्वारा बताया गया कि सलोन के करहिया बाजार में आपसी विवाद को लेकर दहशत फैलाने के उद्देश्य से दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें लाठी डंडे चले, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। रायबरेली जनपद से बलवंत कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार द्विवेदी। क्या घटना हुई यहाँ पे आज? यहाँ पे कुछ गुंडे लोग, जिनका नाम है सचिन मिश्रा और आदर्श मिश्रा, और सांगीपुर के आए हुए हैं कुछ लोग, मंगापुर के सारे समस्त जो है ऊंचाहार वगैरह के आदमी आके यहाँ जो है दंगा फसाद किए। जितने हमारे क्षेत्र के जो है चौराहे पे सब्जी की दुकान लगाए थे, अंडे की दुकान लगाए थे, टिकिया की दुकान लगाए थे, दवा वाले, पान वाले, सबका नुकसान किया है। जो पैसा था पैसा लिया, तोड़फोड़ किया, सब भाग गए, दहशतगर्दी। वहाँ गोली चली जो है, कई राउंड गोली चली, करीब 10 राउंड गोली चली है। क्या पुरानी रंजिश है आपकी? नहीं, क्या कोई रंजिश नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, सिर्फ फेसबुक की लड़ाई है। फेसबुक पे कोई बात हुई थी, उसी के चक्कर में आए। लड़का दिल्ली में था, दिल्ली से परसों को आया, उसको आते ही जो है छेक लिया गया, पूरा जो है लोकेशन के साथ जो है पूरा आके यहाँ छेक लिए मारने के लिए। एक बार आए तो उनको यहाँ से जो प्रवासी थे वो करे तो वो भाग गए। दोबारा फिर आए, असलाहा के साथ आए जो है। एक बार उनका असलाहा भी पकड़ा गया था, मगर असलाहा छिना के भाग गए वो। अच्छा, पुलिस को आपने इससे पहले सूचना दी थी? सूचना हमने लगा रहे थे फोन, दो बज के एक मिनट से लगा रहे हैं फोन नहीं लग रहा था। फिर जो है जाके 3-4 बजे फोन लगा उनका, तब फिर उनसे बात हुई, तो फिर वहां पुलिस आई, पुलिस लगभग 1 घंटे बाद आई। और इससे पहले जो घटना हुई थी, पुलिस ने उस पर कोई एक्शन लिया था? नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ था, यहाँ पर पुलिस पहुंची ही नहीं थी जो है। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था? अरे साहब, हम बैठे पान लगा रहे हैं और सामने से आए लगभग 50 लोग थे जी, और सबके हाथों में मोटी मोटी धन्नी, डंडा, लाठी ऐसे लेके आए, असलाहा भी था। और आए बस यहाँ पहुँचते ही, और किसी को कुछ नहीं, हम बैठे थे और आके यहाँ एक बांस बांधे थे हम। सबसे पहले उस बांस पे एक डंडा मारा हथुन ही से, और उस बांस को उठाया और उठा के फिर हमारी दुकान पे ये सब इसमें लगा था साहब, ये सब तोड़ दिया, ये कांच तोड़ दिया, ये पूरा डिब्बा उब्बा सब देख रहे हैं आप, काफी का ये सब तोड़ दिया, ये सारी काफी वाफी को उठा के हम अंदर रखे, पुड़िया उड़िया ये सब अभी लगाए हैं, ये सब गिरा दिए थे, तोड़ दिए थे, अंदर भी जितना नुकसान कर पाए, ये हमारी डलिया उलिया आप देख रहे हैं सब तोड़ दिए, ये देख रहे हैं डलिया है ये सब तोड़ के, और हमको भी मारा। अच्छा। लेकिन लगा नहीं, हम पीछे हट गए, ये डंडा अंदर पड़ा है साहब, आप ये पड़ा, इससे मारा। अच्छा। उसके बाद ये कांच के टुकड़े आप देख रहे हैं ये सब। कोई आपकी पुरानी रंजिश थी क्या? अरे साहब, हम तो उन लोगों को जानते भी नहीं है कि कहाँ के हैं, कौन लोग हैं और क्यों रंजिश हमारी, उनकी तो कोई कभी मुलाकात भी नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। क्या उनको पहचान? क्या गोली भी चली है क्या? हाँ, 3-4 फायर भी किए हैं। आज शाम थाना सलोन स्थित करैया टोल प्लाजा के पास स्थित बाजार में दो पक्षों के बीच में मारपीट हो गई। इसमें एक पक्ष अभिनव द्विवेदी का है और दूसरा पक्ष सचिन मिश्रा का है। इन दोनों पक्षों के बीच में क्रिकेट की बात को लेकर कुछ दिन पूर्व कहासुनी हो गई थी, उसी कहासुनी को की बात को लेकर आज इन दोनों पक्षों में मारपीट हुई। इस मारपीट पर की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना सलोन की पुलिस मौके पर पहुंच गई और यहां पर फायरिंग की बात बताई जा रही थी,
किंतु थाना सलोन के एसओ द्वारा जो यहाँ जांच की गई और उसमें फायरिंग की कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। इस पक्ष इस संबंध में शीघ्र ही दोषियों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।